दोस्तों आज हम बनाएंगे चाउमीन, इन अदर वर्ड्स वेज नूडल्स। ये बहुत जल्दी बनते हैं और टेस्टी होते हैं। अगर आपको जल्दी अपनी भूख शांत करनी है तो आप इन्हें आसानी से बना सकती हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचे। आजकल मार्केट में बहुत सारे नूडल्स के पैकेट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, आप उनको लेकर अपने घर पर आसानी से बॉईल कर सकती हैं। जब आप बॉईल कर ले 5 से 10 मिनट, तो उसके बाद निकाल कर उन पे हल्के हाथ से रिफाइंड ऑयल लगा लें और एक साइड सेपरेट कर दें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपने लेना है 2 टीस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, जो कि सभी घर में आसानी से अवेलेबल होता है। उसके बाद हम कुछ कटिंग्स करेंगे वेजिटेबल्स की, वो मैंने आपको लिस्टेड किया है, ऑनियन, कैप्सिकम, कैबेज, टोमेटो, ग्रीन चिली एंड कैरेट। इन सबको अच्छे से कटिंग कर लीजिए अपने फेवरेट शेप में। उसके बाद आपको इसको डायरेक्ट रिफाइंड में ऐड करना है। आप देखते होंगे मार्केट के जो नूडल्स होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, उनकी सब्जी में भी टेस्ट होता है। उसका राज है कि जब वो फ्राई करते हैं उसमें एक पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जिससे कि जो टेस्ट होता है वेजिटेबल्स का वो जल्दी फ्राई भी होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। अब आप इनको तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये अपना ओरिजिनल टेक्सचर ना छोड़ दे, यानी कि हल्का कलर चेंज हो जाए और इनसे निकला हुआ पानी वो सिंच जाए। उसके बाद आप इसमें ऐड करें नूडल्स। नूडल्स ऐड करने के बाद करना है 1.5 टीस्पून ऑफ टोमेटो केचप, 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, और लिक्विड में तीसरा है विनेगर, सो ऐड 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। ये लिक्विड थे तीन। उसके अलावा अब हम इसमें ऐड करेंगे चाउमीन मसाला, तो मैंने रेडीमेड मसाला ऐड किया है इसमें, चिंग्स का चाउमीन मसाला आता है 2.5 टीस्पून। उसके अलावा अगर आप चाहती है कि आप कोई मार्केट से मसाला नहीं लाना चाहती, घर पर झटपट बनाना चाहती हैं, तो काली मिर्च होती है छोटी, उनका पाउडर बनाकर भी ऐड कर सकती हैं। उसके अलावा फिर आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ये मसाला परफेक्ट है और आपको ओरिजिनल मार्केट टेस्ट देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ईजी और क्विक रेसिपी पसंद आई हो नूडल्स की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स आपको हमेशा पहुँच पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।